आज का ये वीडियो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इसमें हम ये बनाने वाले हैं कि एक हम बेसिक सा पोस्टर बनाएंगे और फिर उस पोस्टर को अडोब आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर 3D एनिमेट करेंगे। 3D में उसको एनिमेट करेंगे कैमरा मूवमेंट के थ्रू, जैसा कि आप सॉन्ग्स के पोस्टर में या बॉलीवुड पोस्टर में देखते हो या बहुत सारे हॉलीवुड पोस्टर में भी इस टाइप के इफेक्ट्स आप देखते हो। और गाइज, इस टाइप के पोस्टर बनाने के लिए मैं आज 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ, अडोब फोटोशॉप, अडोब प्रीमियर प्रो एंड अडोब आफ्टर इफेक्ट्स। और अगर आपको अडोब प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स नहीं भी आता है ना, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप बहुत इजीली कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आफ्टर इफेक्ट आता है या नहीं आता, प्रीमियर प्रो आता है या नहीं आता। गाइज, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो इसलिए आप आराम से अपने कंप्यूटर के सामने या स्क्रीन के सामने जहां भी आप देख रहे हो आराम से बैठे, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 2 इमेज हैं, ठीक है। फर्स्ट ये इमेज है एंड सेकंड में ये वाली इमेज है। मैं यही 2 इमेज यूज़ करने वाला हूँ पोस्टर बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करने वाला है। आप सबको आता है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक। यहाँ पे भी मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है, ठीक है। तो मेरे पास 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है। फर्स्ट ये बेस है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक। और सेकंड जो है मेरे पास ये स्काई है। ये सब आपको डाउनलोड, ये सारे एलिमेंट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आपको मेन चीज़ देखना होता है, जब भी आपको आफ्टर इफेक्ट्स में जाके अगर कोई पोस्टर को एनिमेट करना हो तो उसका साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लो, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लो। तो जैसे यहाँ पे जो HD का साइज होता है वो होता है 1920x1080, बट मैं यहाँ पे उसका डबल लूंगा, क्योंकि मुझे उसको यहाँ पे एनिमेट भी करना है, मूवमेंट भी डालना है। तो सिंपली मैंने कंट्रोल एन किया और यहाँ पे वृत्त मैंने लिया 1920, स्टार लगा दिया 2, ठीक है, मतलब डबल। 1080 स्टार लगा दिया मैंने और 2 कर दिया। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक सा साइज, ठीक है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक अपना जो बेस है, बेस को मुझे यहाँ पे मूव करना है। सिंपली मैं यहाँ पे ले गया और इस बेस को मैंने यहाँ पे मूव किया। सबसे पहले मैं पोस्टर का लुक फोटोशॉप में क्रिएट कर लेना चाहता हूँ, फिर उसी को एनिमेट कर देंगे जाके। अब गाइज, अपना जो सब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे एक एक करके लेके आता हूँ, दोनों मॉडल को, दो मेरा सब्जेक्ट है वहाँ पे लेके आता हूँ। तो फर्स्ट मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ सेटो के साथ, इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक। अब मैंने यहाँ इसको मूव किया और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है, Ctrl+T एंड इसको थोड़ा सा छोटा, और इसका मैं प्लेसमेंट यहाँ करने वाला हूँ इस जगह पे, ठीक है। और दूसरे मॉडल का प्लेसमेंट मैं उससे थोड़ा सा दूर करने वाला हूँ, लेकिन ये 2D है तो दोनों एक जगह ही लगेगा, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे फिलहाल कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा बिगर कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये बेसिक यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने कर लिया, बहुत सिंपल पोस्टर बनाने वाला हूँ। मेरा एम है कि आपको मोशन पोस्टर बनाते कैसे इस टाइप का वो बताना, इसलिए सिंपल सा पोस्टर बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्काई लेके आते हैं। तो सिंपली मैंने स्काई को यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और स्काई को ठीक मैं पीछे ले जाता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है जो कि ठीक लग रहा है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे ठीक लग रहा है, ज़्यादा कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ नहीं रही है, ठीक लग रहा है, ठीक। तो ये एक हल्का सा पोस्टर का लुक हल्का सा दे रहा है ना, बस सही लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे एक टाइटल लिख लेते हैं कोई सा भी, तो मैं इस मूवी का नाम क्या लिखें, कुछ ऐसी कुछ मूवी का नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, मूवी का नाम लिख दिया मैंने लॉस्ट जोन, एक साथ कर लेता हूँ। और यहाँ पे फॉन्ट में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा एक रस्टी वाला फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो उस फॉन्ट, ये फॉन्ट भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। और इस फॉन्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, है ना, ब्रिक्सटन नाम है शायद इसका फॉन्ट का, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, वो ब्रिक्स, ठीक है, ये वो फॉन्ट है।
और फॉन्ट के बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में मेरा एक अमेजिंग सा कोर्स आया है। जितना भी मुझे आता है ना, सब मैंने उस कोर्स में डाल दिया है। 7 एपिसोड का कोर्स है और उसको परचेज करना है बहुत ईजी है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वैसे ही आप इसको जाए खरीद सकते हो। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे जाओ learn.rajivmehta.in, वहाँ पे ऐड टू कार्ड करो, पेमेंट करो। जैसे आप पेमेंट करोगे आपके पास में कोर्स खुल के आ जाएगा और इसको आप देख भी सकते हो और डाउनलोड करके आप रख भी सकते हो, आपकी मर्जी। अमेजिंग कोर्स है, जितना भी टैलेंट था ना मैंने सब इसमें डाल दिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे लॉस्ट जोन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये फॉन्ट कैसा है उसको दिखाने के लिए मैं जस्ट इस फॉन्ट का कलर ब्लैक करता हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये फॉन्ट इस टाइप का है। ठीक है, जो कि इस टाइप के मूवीज नेम पे ना बहुत सूट करेगा और देखने में भी काफ़ी सही लगेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन इसको एनिमेट कहीं और करूँगा। ठीक है, और इसको मैंने वाइट कर दिया है ना। ऑफ कोर्स बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको वाइट पे लेके चलते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करने के लिए, टैगलाइन ऐड करने के लिए मुझे थोड़ा सा फॉन्ट डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बेबस न्यू का एक फॉन्ट लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया द टेल्स ऑफ टू फ्रेंड्स। थोड़ा सा छोटा लेटर स्पेसिंग हल्का सा, और इसको मैंने ऊपर डाल दिया। ठीक है, द टेल्स ऑफ टू फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्का सा और छोटा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, और इसके नीचे इसी फॉन्ट, इसी लाइन में कॉपी करके एंड हाउ दे सर्वाइव। तो ऐसी बस कुछ डिफरेंट टाइप का मैंने ऐसे कुछ कंटेंट लिख देते हैं कि देखने में थोड़ा ठीक लगे, है ना। ऐसा कोई, क्योंकि लॉस्ट जोन नाम है तो थोड़ा सा सर्वाइव वाला चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद बीच में एक लाइन खींच देते हैं कि थोड़ा देखने में और बढ़िया लगे। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने सेंटर, तो ये ऊपर से अब मतलब टाइटल थोड़ा सा लग रहा है। अब मैं इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टेड बाई राजीव मेहता। राजीव मेहता पहले लिया और यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टेड बाई। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको लाइट कर दिया और इसको यहाँ पे लगा दिया। सिंपल, आप लोग भी इसको बना सकते हो अच्छे से, जैसी मर्जी वैसे आप इसको बना सकते हो। इसको सेंटर किया या इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब सारे टेक्स्ट को मैंने क्या कर लिया, एक ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस तरफ में ले आया। ठीक है, तो ये कुछ देखने में अब कुछ ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा इसको आगे ले आते हैं। ठीक है, हल्का सा पोस्टर का लुक दे रहा है। अब मैं इसका कलर करेक्शन करने वाला हूँ। टेक्स्ट को सबसे ऊपर ले जाते हैं और हल्की सी कलर करेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसमें एक लट्स कलर लुकअप ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो ये कलर लुकअप। ठीक है, और कलर लुकअप ऐड करने के लिए मैं देखता हूँ कौन सा सही लगेगा। तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे सही लगा तो मैं यहाँ पे कलर लुकअप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये परफेक्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कलर बैलेंस भी यूज़ कर रहा हूँ और कलर बैलेंस को कलर लुकअप के अंदर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ये जो आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे तो ठीक नीचे वाले लेयर पर अप्लाई होगा ये। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी लेयर पे अप्लाई होगा, है ना, और पूरे पिक्चर पे नहीं, सिर्फ इस कलर बैलेंस पे अप्लाई होगा। ठीक है, जो कलर लुकअप पे अप्लाई होगा, डबल क्लिक और थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा डिफरेंट ये थोड़ा सा डार्क फीलिंग भी ला सकते हो। मुझे ये सही लग रहा है, तो ये मैंने स्टेप से बना दिया, वो देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है।
अब जो ये अपना लुकअप है, कलर लुकअप लिया था, उसको थोड़ा सा और चेंज करके देखता हूँ। ये भी ठीक लग रहा है, ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, सही है। अब इसके ऊपर भी एक पिक्चर के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते हैं, तो सीधे यहाँ पे गए और यहाँ पे फोटो फिल्टर ऐड कर देता हूँ मैं एक, और फोटो फिल्टर को थोड़ा सा कूल टोन यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, वार्म टोन एंड ग्रीन टोन मैंने दिया है, ये सही लग रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी लग रहा है और देखने में भी ये ठीक लग रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसमें लेवल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद टाइटल को थोड़ा सा सही जगह पे ले आते हैं, ठीक है। तो गाइस ये बेसिक सा पोस्टर तैयार किया, आप और इसमें बढ़िया कर सकते हो। मेन इस वीडियो का एनिमेशन दिखाना, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये बेसिक सा पोस्टर है, तो गाइस डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ मोशन पोस्टर नाम के फोल्डर में, और मैंने कर दिया यहाँ पे पोस्टर PSD, ठीक है, सेव। अब सीधा चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, है ना। आफ्टर इफेक्ट्स सबने एक बार ओपन करके देखा है और इतना भी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टर था, इसको लेकर चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो गाइस कलर करेक्शन हम आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक लुक देखने के लिए मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन करके देखा है कि हाँ देखने में कैसा लग रहा है, बट कलर करेक्शन हम आफ्टर इफेक्ट्स में अलग से करेंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम इस पोस्टर को अलग अलग PSD लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। तो मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स का 2019 वर्जन है और जो कि काफ़ी सही चलता है, ठीक है, और मुझे अपडेट करना है लेकिन टाइम नहीं मिलता अपडेट करने का, तो कर लेंगे अपडेट भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाके और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे लेना है मुझे इम्पोर्ट। तो फाइल में जाके मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, ठीक है, ये रहा अपना मोशन पोस्टर poster.psd, और इसको मैंने एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कॉम्पोजिशन एंड एडिटेबल लेयर स्टाइल और ओके। ये आपके पास सारा का सारा डबल क्लिक करोगे सेम फोल्डर यहाँ पे खुल के आ गया, बट कलर करेक्शन यहाँ पे वर्क नहीं करता क्योंकि फोटोशॉप का डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ट्रिक। अब मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ यहाँ पे अलग अलग लूँ, क्योंकि फोटोशॉप में जब आप लोगे ना तो लिमिटेशन क्या आ जाता है कि आप मान लो मैंने यहाँ पे स्काई लिया है, तो स्काई अपने पास जो स्काई है, स्काई को अगर मैं यहाँ पे ऊपर करूँगा तो ये इतना ही दिख रहा है, लेकिन हमारा स्काई इससे भी और ज़्यादा बड़ा है, तो हम मैं स्काई चाहता हूँ अलग से यहाँ पे डालूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस स्काई को यहाँ से डिलीट मार दिया, ठीक, बैकग्राउंड हमें चाहिए नहीं, ब्लैक बैकग्राउंड को भी डिलीट मार दिया। तो गाइस मैं यहाँ पे स्काई को अलग से लाऊंगा क्योंकि जूम करने में वो ज़्यादा फटे नहीं। तो राइट क्लिक इंपोर्ट एंड ये रहा फाइल, और यहाँ पे मैंने ले लिया स्काई, तो ये अपने पास स्काई आ गया, इसको जस्ट मैंने पीछे डाल दिया, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या क्या चाहिए, स्काई चाहिए, बेस चाहिए, कलर लुकअप नहीं चाहिए, डिलीट कर दूंगा, Layer 1 नहीं चाहिए, एंड Layer 1 एंड Model 2, ये दोनों मॉडल है ये हमें चाहिए, फोटो फिल्टर नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है। अपने पास सिर्फ वही लेयर है जिसपे अभी हम काम करेंगे, फर्स्ट स्काई, दूसरा बेस, तीसरा Model 1 एंड Model 2, ठीक, बस इतना ही है अपने पास, और अपने पास अभी कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लेयर को 3D लेयर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप आइकन देख रहे हो यहाँ पे, इससे ये 3D बन जाएंगे, देख रहे हो ये सारे, ये देख रहे हो ये 3D बन जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको सबको एक साथ यहाँ पे क्लिक किया, अब सारे लेयर हमारे 3D बन गए, ठीक। अब हमें एक लेना है कैमरा, क्योंकि जूम आउट जूम इन यहाँ नहीं हम करें, यहाँ पे हम कैमरा को मूव करेंगे, कैमरा को मूव आउट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने कोई कैमरा है और कोई लेके जाएगा, तो अगर कोई आगे निकलेगा तो जो पीछे वाली चीज़ वो पीछे चली गई, लेकिन जूम आउट जूम इन में ये नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसे क्या प्रोसेस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैमरा लेंगे, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे लिया कैमरा, ठीक है। यहाँ पे 2 नोड कैमरा लेंगे। अब नोड क्या होता है उसके बारे में गूगल पे बहुत सारी वीडियोज है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो यहाँ पे लेंस के प्रीसेट बने हुए रियल लेंस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वाइड एंगल दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 28 mm लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड और लॉक टू जूम, ये दोनों मैंने अनेबल कर दिया और यहाँ पे कर दिया ओके, ठीक है। तो अपने पास कैमरा आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ चीज़ें होती क्या हैं। हमें क्या लग रहा है कि फर्स्ट लेयर यहाँ पे है आगे है, एंड सेकेंड वाला जो मॉडल है वो बहुत पीछे है,
लेकिन ये हमें दिख रहा है, सॉफ्टवेयर को ऐसा नहीं दिख रहा है। सॉफ्टवेयर को कैसा दिख रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये होता है कैमरा और मैं यहाँ पे इसको रोटेट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो सॉफ्टवेयर को सब एक साथ दिख रहा है, देख रहे हो सब यहाँ पे एक साथ दिख रहा है। तो वो जो डेप्थ होता है कि कोई चीज दूर खड़ी है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कैमरा यूज कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको रिसेट कर रहा हूँ जैसा था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दो व्यू में बांट रहा हूँ, तो यहाँ मैं टू व्यू कर दिया। फर्स्ट व्यू क्या है अपना कि ये कैसा दिख रहा है ना, आउटपुट क्या है, और सेकेंड व्यू में क्या है अपना कि ये कैमरा का टॉप एंगल टॉप व्यू है कि कौन सा लेयर कहाँ है। तो अब मैं यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करूंगा, तो ये अपना कैमरा है, आप देख सकते हो ये अपना कैमरा है। तो ये अपना कैमरा है, यहाँ पे सारे लेयर जो है यहीं पे है, लेकिन सब कैमरा के बहुत पास है, तो हमें इसको बहुत दूर दूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये अपना स्काई, ये रहा स्काई। बस यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान देना है, ये तो जी वाला जो की होता है आपको वही मूव करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जी की को जैसे आप जाओगे जेड लिख के आ जाएगा, मतलब जेड मतलब जी वही। तो यहाँ पे इसको पीछे लेके जाना है, ठीक है। ये देखो ये पीछे चला गया, जितना पीछे लेके जाओगे उतना ज़्यादा आपको डेप्थ मिलेगा। तो गाइज ये कितना पीछे ले जा सकते हो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइल है इसकी साइज कितनी है। तो मैं यहाँ पे इसको पीछे ले गया, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा हो गया। तो सिंपली यहाँ पे प्रेस करूँगा एस, ठीक है। यहाँ पे इसको जूम करके फिर से फिट कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट कर दिया। अब स्काई जैसा हमें दिखता है वैसा है, बहुत दूर है इस मॉडल से, बहुत दूर स्काई है। तो गाइस पहले क्या था कि पहले हमें लग रहा था कि स्काई दूर से आ रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर को ऐसा नहीं लग रहा था। सॉफ्टवेयर को लग रहा था कि सब एक पे एक लेयर रखा हुआ है, लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं इसको, कैमरा को हम बोल रहे हैं कि भाई स्काई बहुत दूर है, तो इसीलिए हम इसको कैमरे से बहुत दूर लेके जा रहे हैं यहाँ पे, देख लो इतना दूर। दूसरी चीजें बेस, बेस को भी मैं थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ चलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब बेस में भी सेम चीज, एस प्रेस करेंगे और इसको फिट कर देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से अब दिख रहा है। अब लेयर वन एंड लेयर टू, फर्स्ट वाले मॉडल को अभी दोनों हमें दिख रहा है कि दूर है, लेकिन ऑफकोर्स कैमरे को लग रहा है कि पास में ही है, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। अब इतना पीछे नहीं लेके जाओगे कि इसको पीछे चला जाए, हम इसको बेस से ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। और लेयर वन को कैमरे के और पास लेके आएंगे इतना, ठीक है। अब मॉडल टू को फिर से एस प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, सॉरी मॉडल टू को एस प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करके और इसको वाई से भी इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। इसी तरीके से मॉडल वन को भी एस प्रेस करेंगे और छोटा कर लिया और इसको हमने यहाँ दिख दिया। तो अब क्या हर चीज़ कैमरे से बहुत दूर दूर है, कैसे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से मैं आपको वही व्यू दिखाने वाला हूँ, इसको मैंने व्यू शिफ्ट कर दिया वन व्यू। अब देखो ये देखो कितना दूर है, पहले सब एक जगह था, अब ना काफ़ी दूर दूर है। देखो फर्स्ट लेयर यहाँ है, उसके बाद सेकेंड लेयर है, उसके बाद बेस है, उसके बाद स्काई है, ये देखो बहुत दूर है ये। आपको प्रोसेस समझ आ रहा है कैसे कैमरा ऐसे ही वर्क करता है। इस प्रोसेस में हम जूम और जूम इन नहीं करते हैं, हम कैमरे को मूव करते हैं और मूव इन करते हैं, सिंपल सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे इसका सेट कर देता हूँ, ये अपने पास ये आ गया, ठीक। अब हमें यहाँ पे करना है एनिमेट, सिंपली एनिमेट करना है। तो एनिमेट हम किसको करेंगे, मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल इफेक्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और ये कैसे वर्क करा, कैमरा कैसे वर्क करा वो भी आप देख सकते हो इसमें। तो कैमरे में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पे देखो, आप अगर आप यहाँ पे कैमरे पर क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ये देख रहे हो। कैमरा ऑल्ट दबा के जब क्लिक करोगे तो अलग अलग कैमरे दिखेंगे, अलग अलग कैमरे के अलग अलग यूज़ है। फर्स्ट वाला कैमरा आपको रोटेट करके दिखाता है ना, सेकेंड वाला कैमरा जो है आपका घुमाता है, रोटेशन करता है। थर्ड वाला जो है ये जूम आउट जूम इन और लेफ्ट राइट दोनों जाता है, और लास्ट वाला है। तो गाइज आप यहाँ पे सिचुएशन समझो हमें क्या दिखाना। जैसे मान लो आपके पास कोई कैमरा है और आप कैमरा लेके ऐसे करके आ रहे हो, है ना, तो पहले आप दूर गए फिर आया, जो पहला बंदा था पहले वो दिखा, फिर दूसरा बंदा दिखा, फिर तीसरा बंदा दिखा, सेम यहाँ भी वही प्रोसेस होता है, ठीक। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ये देखो ये मैंने यहाँ पे जूम कर लिया, ठीक है। इतना देख सकते हो स्काई अभी भी वैसा ही है, ज़्यादा चीज स्काई में चेंज नहीं हुआ है। कैमरे के ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा,
ये देखो ठीक, अब हमने यहाँ पे जूम कर लिया है, और जूम करने के बाद अब हम कैमरा को पीछे लेके आएंगे, और जब मैं पीछे लेके आऊँ तो मैं उस मूवमेंट को रिकॉर्ड करूँगा, इसका मतलब एनिमेट करूँगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया है, दो पोजिशन को एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। अब हल्का सा यहाँ पर आगे लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दो क्लिक लगाते हैं, ठीक, और थोड़ा सा इसको पीछे लेके आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पीछे जा रहा है, तब नीचे की तरफ क्लिक करके ड्रैग करोगे, मैं चाहता हूँ यहाँ पर इतना पीछे आए, और यहाँ के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाए। यहाँ पे क्लिक कर दिया, और मैं चाहता हूँ इतना यहाँ पे स्लो हो जाए, ठीक। अब थोड़ा सा और यहाँ पे आगे ले आते हैं, और दो क्लिप ऑन कर देते हैं, और जूम आउट करते हैं, इतना इतना है, और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, और हल्का सा जूम इन, ठीक। अब यहाँ पे एक साथ प्ले करो, यहाँ आया, यहाँ आया, और ये इस टाइप से यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा एनिमेशन है, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है इस एनिमेशन को, मतलब आप समझ गए प्रोसेस में, समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से और भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, आप कैमरे को चारों तरफ भी घुमा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैं सारे एनिमेशन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इजी ईज कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे की असिस्टेंस में जाके, और इजी ईज। इससे क्या होगा कि आपका एनिमेशन और स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ प्ले करोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, तो इस टाइप से अब दिख रहा है। अब मैं इसको, तो क्या, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ टाइटल यूज करना, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप टेक्स्ट लेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये तो ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ टेक्स्ट लेयर यूज़ करना, ठीक है। तो आप फोटोशॉप से इसका PNG बना के भी यहाँ से ले आ सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो इसका PNG भी यहाँ से बना के ला सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे गए एक्सपोर्ट एंड सेव एज वेब, और यहाँ पे इसका PNG वर्जन आप यहाँ पे ला सकते हो, और चाहो तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली PNG एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना ये आ गया टेक्स्ट का PNG, इसको मैंने इसके ऊपर मूव किया, ठीक, अभी यहाँ पे आ गया। तो गाइस मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग से ना रहे, ये बाद में आए, तो मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ से कैमरा मूव हुआ यहाँ तक, है ना, और यहाँ से ये आना शुरू हो जाए, यहाँ पे आए, ठीक है। अब इस लेयर को भी हमें यहाँ पे 3D लेयर बनाना पड़ेगा कि देखने में और अच्छा लगे, तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपली 3D कर दिया। अब 2 व्यू पे दोबारा जाएंगे और देखेंगे अपना टाइटल है कहाँ पे। तो अपना टाइटल अभी मुझे लग रहा है कि अपना टाइटल को यहाँ रखना चाहिए, है ना, थोड़ा सा पीछे हो अपना टाइटल यहाँ पे, है ना, कि थोड़ा पीछे लगे, ठीक। तो अब यहाँ पे फिर से 1 व्यू पे आ गया, और ये स्टेप से कुछ फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड ओके। तो गाइस अब मैं इस टेक्स्ट पे एक थोड़ा सा इफेक्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे गए इफेक्ट्स, एनिमेशन, एनिमेशन प्रीसेट और प्रीसेट, और यहाँ पे इमेज एनिमेशन में बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें इमेज के भी एनिमेशन होते हैं, आप अपने मन से कोई सा भी लगा सकते हो। मैं जस्ट ऐसे ही कुछ लगा के देखता हूँ कैसा लग रहा है, तो ये कुछ इस टाइप, ये बहुत सिंपल है, इतना मज़ेदार नहीं है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, बहुत सारे इफेक्ट है इसके अंदर, आप इसको चूज़ कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। ये देखो ये भी कुछ खास नहीं है, देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लगा देता हूँ मैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए, आप अपने हिसाब से इफेक्ट चूज़ कर सकते हो ना। ये देखो ये किस टाइप से हो रहा है, एस फर्स्ट सेकेंड, और यहीं से आ जाना चाहिए था टेक्स्ट, यहीं से टेक्स्ट आ जाना चाहिए था, तो यहाँ पे कर दिया मैंने, और थोड़ा सा इसको लेयर को पीछे कर दिया, ठीक है। अभी देखो सिंपल प्ले फर्स्ट, ये आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा और इसको आगे से लेके आते हैं। तो क्या ये इफेक्ट मुझे कोई खास पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत इफेक्ट है, आप अपने मन से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मन से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ये ले आए, यहाँ पे आ गया, और ये
तो भाई इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन करते हैं सिंपली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और सबसे ऊपर ले रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर। तो गाइस आफ्टर इफेक्ट्स में इस पोस्टर को कलर करेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रीसेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस उस प्रीसेट का नाम है इन्फिनाइट लुक्स, आप ये नेट पर सर्च कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पर इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अपने आप एक यहाँ पर एक कलर करेक्शन होकर आ गया। अब यहाँ पे आप जैसे जैसे आप इसकी मूव करोगे यहाँ पे कलर पे लुक्स पे, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखो यहाँ पे 23 है ना, जैसे मैं मूव करूँगा अलग अलग यहाँ पे कलर आएंगे, जो आपको यहाँ पे सही लगे वो कलर आप पिक कर सकते हो, ठीक है। मान लो मुझे जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे एक सिनेमेटिक वाला फील यहाँ पे आ गया, ठीक। अब ब्रेक प्ले करके यहाँ पे आप, तो गाइस अब मैं आप इसको प्ले करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ प्ले किया और ये कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ये बहुत सिंपल, ऑफ कोर्स यहाँ पे वाइट टेक्स्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा, उसके लिए हमें बैकग्राउंड के साथ कुछ प्ले करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखा रहा था कि ये बनाते कैसे। आप यहाँ पे और भी इसमें कलर करेक्शन अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ, मान लो इतना ये डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ, और फिर शायद देखने में ये थोड़ा सा बढ़िया लगे, ठीक है। मान लो मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको, ये जो अपना टेक्स्ट है, ये जो अपना एडजस्टमेंट लेयर है, उसको टेक्स्ट के नीचे ले रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। ये देखो ये कुछ इस टाइप से अब लग रहा है। अब इसको प्ले करके देखता हूँ, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा और जैसे लोड हो जाएगा ये अच्छे से प्ले होगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिक एनिमेशन किया। अब आप पॉसिबिलिटी सोचो, आपको कैमरा मूवमेंट चलाना आ गया कि भाई आफ्टर इफेक्ट में कैमरा चलाते कैसे हैं, ये रियल कैमरे की तरह वर्क करता है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या यूट्यूब पर जितने भी बड़े ब्रांड्स अपने सॉन्ग का या मूवीज़ का पोस्टर लॉन्च करते हैं, सिर्फ कैमरा वर्क के चक्कर में ये चीज़ अच्छा लगता है। और ये कैमरा वर्क आफ्टर इफेक्ट में आप लोगों के पास पहले से है, आप बस उसको यूज़ करना आना चाहिए। कैमरे में और भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे वन व्यू पे शिफ्ट कर रहा हूँ, आप चाहते हो जूम आउट, यहाँ चाहते हो कि आप यहाँ पे फोकस भी हो, ब्लर भी हो जाए पीछे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपर्चर को छेड़ना पड़ेगा। आपको अपर्चर बढ़ा दो, मान लो ऐसे कितना अपर्चर बढ़ाते हो आपकी मर्जी। तो ये देखो आगे का जो है आपका जूम आउट हो गया, लेकिन उसको हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ये देखो ना, ये देखो ये सिर्फ फोकस उसी पे है, ये मैंने उसी पे फोकस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपर्चर का यूज़ को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। तो इसको हम बंद कर देते हैं और पीछे आ जाते हैं, बैक जहाँ पे थे वहाँ आ जाते हैं, ठीक है, और पीछे। तो ये अपना ये लग रहा है। एक और इफेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जब इस टाइप के पोस्टर बनाते हैं, वो है विगल इफेक्ट, जो एक ब्लिंक करके आता है, वो भी काफ़ी ईजी है बनाना। आपको करना क्या है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जब ये लास्ट वाला लेयर जब आए थोड़ा सा ब्लिंक हो, क्योंकि वहाँ पे साउंड इफेक्ट मैं कोई एक बढ़िया सा डाल दूंगा। ये रहा अपना मॉडल 2, ये रहा अपना मॉडल 1, और इसको मैं मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ से आके यहाँ ब्लिंक हो, तो मैं यहाँ पर सिंपली कट करूँगा, स्प्लिट। मैं बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर इसको स्प्लिट करूँगा, ठीक, थोड़ा सा आगे आ गए और यहाँ से भी इसको स्प्लिट करूँगा, ठीक है। तो अपने पास एक नया लेयर आ गया। अब इसके अंदर गए, ट्रांसफॉर्मेशन में गए और ऑल्ट होल्ड करके विगल इफेक्ट डालने के लिए ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पे ओपेसिटी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक कोड आ गया आपके पास लिखने के लिए, देख रहे हो एक कोड यहाँ पे लिखने के लिए आपके पास आ गया, ये देखो ये कोड लिखने के लिए आ गया। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है विगल, ठीक है, और यहाँ पे 200 या 20 टाइम देना है और कॉमा 100% ओपेसिटी, ठीक है। अब इससे मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट बनाएगा, प्ले, ये जूम आउट हुआ एंड ये देखो ये जो होता है ना एक ब्लिंक वाला है, काफ़ी कूल लगता है देखने में, तो ये इफेक्ट मैंने डाला है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और सीधा प्रीमियर प्रो में जाके इसमें साउंड एडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल एम किया, रेंडर यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आपके पास इनकोडर है तो आप इसको इनकोड भी कर सकते हो, कम एमबी में होगा, मेरे पास ऐसा कोई इनकोडर नहीं है तो मैं नॉर्मल इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया पोस्टर और पीआर देता हूँ, ठीक है, सेव, और यहाँ पे कर दिया रेंडर, ठीक है। अब ये आपके सिस्टम के स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितने देर में रेंडर होगा, ठीक है। ओके, तो क्या हमारा मोशन पोस्टर रेडी है, पहले हम इसको प्ले करके देखते हैं, फिर हम उसको प्रीमियर प्रो में जाकर उसमें कुछ साउंड डालेंगे, फिर हमारा पोस्टर डन है, ठीक है। तो अपने पास ये है, पहले मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, एक सेकेंड।
ये देखो, ठीक है, देखने में ये सही लग रहा है, कूल लग रहा है। अब हम सीधा प्रीमियर प्रो में चलते हैं, ठीक है, और वहां पे हम इसमें साउंड एडिट करते हैं। तो मैंने यहाँ प्रीमियर प्रो ऑलरेडी ओपन कर रखा है, सीधा फाइल पे गए इंपोर्ट, और यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया है। अब इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा ये साउंड आ रहा है, पहले से ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक। यहाँ पे एक बार प्ले करके देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट डालते हैं, इसके लिए मेरे पास है ये एक फर्स्ट वाला ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से कुछ प्ले होगा, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे मैं वूश करके साउंड आता है, वो मैं डालता हूँ सिंपली, एरा वूश, उसको मैंने यहाँ पे प्ले करता हूँ। देखो अब स्टार्टिंग से प्ले करो, देखो, ठीक है। और यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे मुझे फ्लिकर वाला साउंड है, जैसे लाइट बल्ब की साउंड होती है ना, वैसा साउंड डालना है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइट बल्ब फ्लिकर वाला साउंड है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये रहा अपना साउंड, और इसको थोड़ा सा पीछे कर लिया, और देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ये रहा, ठीक है, कूल लग रहा है। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दो और आपका पोस्टर डन है। तो आप उसके लिए आप कोई सा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हो। मैं कॉपीराइट के चक्कर में मैं ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो मूवीज़ का जो थीम सॉन्ग होता है काफ़ी कूल होता है, वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे, मेरे पास एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो मैं यहाँ पे क्लिक यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो ये कुछ इस टाइप दिखेगा। अब यहां तक मुझे चाहिए, और मैं सीधा इसको मैं यहाँ पे कट मार रहा हूँ, और इसको डिलीट किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन, और थोड़ा सा पीछे से इसको ले जाता, ज़्यादा नहीं इतना, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं, गाइस फाइनली हमने एक मोशन पोस्टर बना लिया। बनाना कितना इजी है अब आपने समझ गए। फोटोशॉप में हमने डिजाइन किया, आफ्टर इफेक्ट में हमने जाके इसमें एनिमेट किया, और प्रीमियर प्रो में जाके हमने इसमें साउंड एडिट किया। जैसे ओके, तो गाइस इस काम के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सिंपल स्टेप है। ये कैमरा का एक यूज था, आने वाले टाइम में मैं आपको हजारों यूज बताऊंगा कि कैमरा का यूज आप कैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और जितनी भी फाइल यहाँ पे यूज हुई है, साउंड से लेके पिक्चर से लेके सब कुछ, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप इसको डाउनलोड करो और कुछ बढ़िया सा क्रिएट करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। और हाँ, मेरा जो अनलॉक टाइपोग्राफी, जो फॉन्ट्स के बारे में जो कोर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उसको मिस मत करो। वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मैंने डाला है, कुछ दिन में उसका सेल बंद हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। 7 एपिसोड है, अमेजिंग वीडियो है, और प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। सारे कहाँ से परचेज करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हो। और हाँ, ये सिर्फ अभी इंडिया के लिए ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।